हेलो फ्रेंड, दिस इज सतीश नामदेव एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वीडियो। मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से वैकेंसी लेके आया जो कि एक वेस्ट इंस्टीट्यूशन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो वैकेंसी लेके आए हैं वो आई हुई भारतीय विधि संस्था है जो कि एक ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो वीडियो सबसे पहले मैं आप वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट है ILI.ac.in। जैसे गूगल में सर्च करेंगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाए जैसे आपको शो हो रही है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर आपको स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट में क्लिक करेंगे आपके पास सामने न्यूज़पेपर जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर न्यूज़पेपर कटिंग्स दी हुई है, आप जैसे यहाँ पर करेंगे न्यूज़पेपर कटिंग्स ओपन हो जाएंगे। एंड हम डिटेल में बात करेंगे हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे क्या प्रोसेस है, सारी डिटेल में बात करेंगे। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो डिटेल में जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के PDF ओपन हो जाएगी जैसे आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर जैसे द इंडियन ला इंस्टीट्यूट तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लास्ट डेट आपको 6 जनवरी 2020 तक आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं। तो हम लाइब्रेरियन की बात करें, हम वन पोस्ट है। यहाँ पर पे मैट्रिक्स की बात करते हैं, लेवल 14 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स 1,44,202,18,200। यहाँ पर आपको पे की, यहाँ पर पे स्केल की बात की गई है। एंड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एट एनी लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस एंड इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन आ लाइब्रेरी। आपको जो लाइब्रेरी से सॉफ्टवेयर के नॉलेज होना चाहिए। एंड आपको यहाँ पर आप PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन अचीवमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट कीपिंग, आपको जो भी यहाँ पर PhD डिग्री से आपको है अगर सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर इजिली अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। तो एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिजराइबल क्वालिफिकेशन है। अगर आप लॉ ग्रेजुएट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप यहाँ पर कुछ आपको कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज द मस्ट फेमिलियर टू टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल लर्निंग MOOCs एंड स्वयं ETC IT स्किल आर मैंडेटरी। आपको कंप्यूटर का कुछ नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर आपको जो आपका स्वयं हो गया या MOOC MOOCs का है एंड IT स्किल का आपको यहाँ पर आनी चाहिए तो आपको यहाँ पर इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड अदर की बात करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस कैंडिडेट हुआ है ऑलरेडी अप्लाइड। यहाँ पर जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी अप्लाइड किया हुआ है, जो एडवर्टाइजमेंट ये दिया हुआ है यहाँ पर 2018 में आया हुआ था, तो ये रिवाइज अप्लीकेशन है। जिन्होंने अगर अप्लाई किया है तो उन्हें एक फॉर्म फिलअप करना होगा, रिफ्रेश करना होगा आपको ऑनलाइन एंड देन आपको उनको कोई फी पेमेंट नहीं करनी होगी। नेक्स्ट आपको बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी, अपर एज के लिए दिया हुआ है लाइब्रेरियन के लिए 50 ईयर्स के लिए लाइब्रेरियन के लिए अपर एज दिया है एंड कुछ जनरल गाइडलाइंस दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप, मैं आपको PDF लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर भी देख सकते हैं। एंड एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन है 1000 फॉर जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट के लिए एंड ST SC PH एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड वोमेन कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ द अप्लीकेशन फी। जो कैंडिडेट है PWD ST SC एंड PH कैंडिडेट एंड वो ऑल वोमेन कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर, यहाँ फीस उनको कोई पे नहीं करनी होगी, केवल यहाँ पर जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट को फी पेमेंट करनी होगी। जो फी होगी आपको पेमेंट करने के लिए, आपको क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट के थ्रू आपको प्रोसेस फी पेमेंट करनी होगी। देन आपको प्रिंटआउट लेना होगा, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपको प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखना होगा। देन आपको उसमें कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी होगी। एंड लास्ट डेट की बात करते हैं, 6 जनवरी 2020 तक आपको सबमिट करना होगा ऑनलाइन। तो यहाँ पर अगर ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल होगा, तो यहाँ पर ऑनलाइन है आपको पास। ऑनलाइन जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नेम,
ईमेल आईडी एंड देन आपको मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड इंटर करना होगा। देन रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने मैसेज जाएगा ईमेल में। ईमेल में जैसे लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड होने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप करना होगा, कुछ डिटेल्स हैं तो आपको डिटेल्स फिलअप करने के बाद प्रोसेस करना होगा। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन आपको जैसे फिलअप करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जैसे आप देख रहे हैं रिक्वायरमेंट फॉर्म है, यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए मैंने सेलेक्ट कर दिया है। एंड देन आपके यू हैव अप्लाइड इन 2018 यस नो यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन आपको नेक्स्ट करना, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पूछा हुआ है। आप यहाँ पर्सनल डिटेल फिलअप करने के बाद आप एड्रेस एंड एकेडमिक एंड ये सारी डिटेल्स आपको एंड अपलोड फाइल यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसे अपलोड करना होगा। एंड देन डिक्लेरेशन एंड देन आपको पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है। एंड प्रिंट आउट को अपने पास रखना है, उसको कहीं सेंड नहीं करना है। एंड अब जैसे सेंड अगर उसको आप फ्यूचर के लिए आप सेंड कर सॉरी फ्यूचर के लिए आप उसके अपने पास रखना है। एंड आपको वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है। देन आपको यहाँ पर आपकी डिटेल पूरा फिल होने के बाद आपको यहाँ पर सारी प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ प्रोसेस एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा एंड एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन आ जाएगा यहाँ पर। एंड देन आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का जो आपको यहाँ पर चार्ज भी दिया गया, जो बैंक चार्ज है अदर्स चार्जेस यहाँ पर इंक्लूड करके दिया हुआ है। देन आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स शो हो जाएगी, आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको शो होगी, जैसे कि एप्लीकेशन आपकी एडमिट कार्ड एंड अदर्स थिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड मैं आपके लिए लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से वैकेंसी लेके आता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।